भगवान का नारद जी हृदय में आ गया। नारद जी हृदय में आ गया। नारद जी उसको उत्पत्त रसास्वादन करते करते प्रेमानंद समुद्र में निमग्न हो गए। आनंद संप्लवे लीनो न पश्चिम भयम मने, आनंद संप्लव में मेरा मन लीन हो गया। यह लोक परलोक सब कुछ भूल गया और बस क्षण भर में परंतर था चलते बने। अब बेचारे बड़े परेशान, फिर ध्यान करने लगे, फिर आंख मीटने लगे, फिर नाक दबाने लगे, प्राणायाम करने लगे। कहां हो तो गया सो गया। बड़े रोए बड़े बिलबिलाए, तब आकाशवाणी हुई हमतासमिन जन्म निभवान नमान दृष्टि बिहार हती। आपके जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे तो फिर ये उपद्रव पैदा क्यों किया आपने? ये यदि इस जन्म में हमको उस रस के आस्वादन का सौभाग्य नहीं तो आप क्यों प्रकट हुए? अरे बोले इसलिए कि तुम्हारा मन खींचने के लिए, तुम्हारा मन खींचने के लिए। सकल दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे अनघ, वो सकृत एक बार तुम्हें अपना स्वरूप का दर्शन कराया है वो तो कामायते नघ, तुम्हारी इसमें कामना हो जाए, उत्कट कामना हो जाए। इसलिए बिना रसास्वादन किए कामना कैसे हो? तो उत्कट कामना उत्पन्न करने के लिए एक बार अपने स्वरूप माधुर्य का तुम्हारे हृदय में प्रकट करा दिया। तो इस तरह से जैसे वो मधुप आता है दूर से, सुन दूर से गंध का ग्रहण करके आता है और उस पुष्प का पराग पुष्प का मकरंद रसास्वादन करता है, इस प्रकार की स्थिति। तो सकृत भर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा सुमन सैव सद्य तत्जे स्मान भवादृत भवंत में उपश्यंत जा जम ओ भवादृत। श्याम सुंदर कैसे बोलो भवादृत? भवंत में उपश्यंत जना जम, तुम्हारे ही समान जिसको लोग देखते, ऐसे भंवर वैसे ही श्याम सुंदर कृष्ण भवादृत। तो वो सुमन सैव सद्य तत्ते, जैसे मधुप जो होता है, मधुप जो है सुमन का सुमन माने फूल, उत्तम फूल, उत्तम पुष्प, अरविंद मकरंद, मालती मल्लिका जाति ज्योतिका आदि दिव्यात दिव्य पुष्पों के दिव्य पराग को मकरंद को पान करता है और चला जाता है। इसी तरह श्री श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ने अपने मंगलमय मुखचंद्र की समुद्र अदुर सुधा को, मोहिनी सुधा को पिलाकर सद्यस्तर जद्यप बात ये नहीं है, असंख्य दिवस पर्यंत भगवान के मुखचंद्र की सुमधुर अदर सुधारस का पान इन्होंने किया तथा कि सब भूल गए। व्याकुलता बसात वो सब भूल गई और वही आती है बात कि बस तो कल श्लोक नहीं याद था, आज याद हो गया। होता ना कोयं कृष्ण इति बुदस्यति मतिम जस्तन विकरणे स्पृशन। निरंतर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मुखचंद्र का सौंदर्य अमृत पान करती हैं, श्री अंग के अनंत मधुरिमा का लोकोत्तर रसास्वादन करती हैं और अपनी सखी ललिता से कहती हैं, सखी कोयं कृष्ण, ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण कौन है? जस्तन करने स्पृशन, हे तन्वी,
جو میرے کانوں کے سمیپ آ کر نام کرشن نام ہی میرے کانوں کو سپرش کرتا ہے تو میری متی لپت ہو جاتی ہے, میرے وویکنی بدھی لپت ہو جاتی ہے. وویک بدھی کا سب جانے کہاں چلا جاتا ہے. کوئم کرشن بدست متم جستنوی کرنے اسپرشن, کرن کا اسپرش کرتے ہی متی کو بدست کر دیتی ہے, لپت کر دیتا ہے کرشن میرے کان کو اسپرش کرتے ہی. تو سکی کہتے راگاندھے کمدم, راگاندھے کمدم سدیو بھوتی تسے رسیت پیڑتی. ہے راگاندھے لوکوتر انوراگ سے وویک شون ہوئی ہوئی رادھے, راگاندھے رادھے کمدم یہ کیا بات تم پوچھ رہی ہو, تم کیا کہہ رہی ہو. سدیو بھوتی تسے رسیت پیڑتی, آپ تو سدا سرمدا ہی ان کے اور استھل پر ہی کریا کرتی ہیں. یہ پوچھ کیا رہی ہیں. کون کرشن بدست متم جستن کرن اسپرشن, ہے تنوی جو کرن کو سپرش کر کے ہی میری متی کو لپت کر دیتا ہے, وہ کرشن کون ہے, کہاں رہتا ہے. راگاندھے کمدم راگاندھے رادھے تم کیا کہہ رہی. سدائیو بھوتی تسے رسیت پیڑتی, آپ تو سدائی ان کے اور استھل پر کریا کرتی. ارے گنگا جل کی پوترتا کبھی گنگا جل سے پرفک ہوتی ہے, آنند سندھو کی مدھورما کبھی آنند سندھو سے پرفک ہوتی ہے. اچنت آنند پرما آنند سدھا سندھو شری کرشن کی مادوریا بھشٹا شری مہا شکتی لکشمی رادھا, وہ کبھی کرشن سے پرفک ہوتی ہے. سدیو کرشن کے اور استھل پر ہی کریڈا کرتی ہے, انتر کہیں نہیں. گنگا جل کی پوترتا سدا گنگا جل کے اور استھل پر کریڈا کرتی ہے. آنند سندھو کی مدھورما سدا آنند سندھو کے اور استھل پر کریڈا کرتی ہے. ایسے آنند سندھو شری کرشن چندر پرم آنند کند کے مادھر سار سربس کی ادھشٹھاتری رادھا رانی سدا کرشن کے اور استھل پر ہی وہار کرتی ہے. اس درشٹی سے بولتا رہا باندھے کمدم سدائیو بھوتی تسے رسیت پیڑتی, سدائی ان کے اور استھل پر پیڑا کرتی ہو, آپ کیا پوچھ رہی. تو رادھا رانی کہتے ہاسیم ماں کو موہتے, ہے موہتے للتے تو بھی موہ آکرانت ہے, موہ سے آکرانت ہے تو اپہاس کرتی ہے ہماری. کیا کہتی اپہاس کرتی ہے میرا, کہاں کرشن مجھ کو ملتے ہیں. ہاسیم ماں کو موہتے وہ کہتے تو مدھونا نستا سے ہستے میرا, پھر وہ کہتی ابھی ابھی تو میں تم کو لائی ہوں شیام سندر برجن نندن کے پاس, ابھی میں لائی ہوں تم کو, تم پیاری اتنی جلدی بھول گئی. تو کہتے ستیہ ستیہ مسودر گنگن مگان ادیو ددن نبھا, ستیہ ستیہ مسودر گنگن مگان ہی سکی. ہاں سب سب لیکن ادیو درگنگن مگان میرے نینوں کے پرانگن میں مدن موہن شیام سندر آج ہی تو آئے, میرے نینوں کے پرانگن میں میرے پرانناتھ پریتم کرشن آج ہی تو آئے. پرت بدن نبھا جیسے بدت پرکاش کھڑ بھر کے لیے آتا ہے اور لپت ہو جاتا ہے, ستیہ سپتم سودر گنگن مگات ادیو بدن نبھا جیسے بدت ہوتی ہے بدت پرکاش دامنی کا پرکاش کھڑ بھر کے لیے آتا ہے اور لپت ہو جاتا ہے, جیسے نہ جانے جنم جنمانتروں میں جگ جگانتروں میں کلپ کلپانتروں میں نہ جانے کس پنیہ سے آج ہی تو مدن موہن میرے نینوں کے پرانگن میں پدھارے اور کھڑ بھر کے لیے اب انتردھان ہوگا تو پتہ ہی نہیں. تو یہ اوستھا جہاں سدیو بھوتی تسے رسیت پیڑتی اور ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ادیو بدھن بھا آج ہی میرے نینوں کے پرانگن میں
मेरे प्रियतम पधारे हैं, तो वो भी विद्युत प्रकाश के समान क्षण भर में अंतर्धान हो गए, चले गए। तो इसलिए गुरु अनंत काल भी उनके मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा रस का पान करें, तो भी सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाईतवा। सकृत एक ही बार, एक ही बार तो जीवन में जन्म जन्मांतर में दुख सुखांतर में कल्प कल्पांतर में एक ही बार तो अपने मुखचंद की सुमधुर अधर सुधा को छला बला पिला दिया, और पिला करके सद्य आसमान तथ्य दे सद्य तत्काल हमको छोड़ दिया, तत्काल हम लोगों को छोड़ दिया। माने छल से बल से हमको अपने वश में कर लिया, हमारी ना इच्छा होने पर भी मधुर सुधर सुमधुर अधर सुधा रस को पिला दिया, और दुरंत लालसा उत्पन्न कर दिया, दुरंत लालसा पैदा करके स्वयं अंतर्धान हो गए, चलते बने। दुरंत लालसा पैदा करके चलते बने, क्या सकी हम सुमनस हैं और वो दुर्मना। सुमनस का दो अर्थ है, सुमनस का एक अर्थ फूल है, सुमनस का एक अर्थ है फूल, और सुमनस का एक अर्थ है शोभनम मनः जस्य सा सुमनसा, जिसका मन बड़ा सुंदर हो उसको सुमनस कहते, विद्वानों को पंडितों को सुमनस कहते, देवताओं को सुमनस कहते, देवता सुमनस हैं, विद्वान का नाम सुमनस है। राधा रानी कहती हम लोग तो भोली भाली सुमनस सुंदर मन वाली, कृष्ण के प्रति अच्छी भावना रखने वाली, छल कपट की बात नहीं जानती, छल कपट की बात नहीं जानती, सीधी सरल कृष्ण के प्रति उत्तम भावना रखने वाली, पर हमारे साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, इसलिए उनका नाम क्या ले, नाम भी नहीं लेना। सुमनस एव सब नाम ने सुमनस एव शब्द तत्मान, सुमनस के तुल्य जैसे तुम भवादृत मधुक भमरा, जैसे मधुकर जो है वो सुमनस को त्याग करके चला जाता है, जैसे हम सुमना सुमना हम गोपांगनाओं को सद्य तत्काल त्याग करके स्वविषयिणी उत्कट दुरंत लालसा उत्पन्न करके और सद्य तप्त जे सद्य छोड़ दिया। अब यहां एक बात और कहना इनको अभीष्ट है, वो ये कहना अभीष्ट है कि सखी मधु बिचारे का तो कोई दोष नहीं, भावरे का तो कोई दोष नहीं, वो तो बिचारा भूखा है ना, मधु तो भूखा, तो एक फूल पर गया मकरंद रसपान करने के लिए, मकरंद रसपान किया, अब पेट नहीं भरा तो उस फूल को छोड़कर दूसरे फूल पर चला गए, वहां मकरंद रसपान किया उसमें भी नहीं पेट भरा तो और तीसरी जगह चला गए, मकरंद रसपान किया तो मधु बेचारा तो भूखा, अपने पेट की आग बुझाने के लिए भले सौ फूलों पर जाए, सौ फूलों का मकरंद रसपान करे, वो तो क्षुधा से पीड़ित होकर क्षुधा से अशांत होकर अपनी पिपासा और क्षुधा को दूर करने के लिए अनेक पुष्पों का अवलंबन करता है, वो निर्दोष है, लेकिन श्याम उन्नर निर्दोष नहीं है, ये महुपति निर्दोष नहीं है, क्यों, इनका तो अधर में ही सुधा है, जिसके अधर में सुधा वो भूखा रहता है क्या, जिसके अधर में सुधा वो भूखा, जिसके अधर में सुधा वो प्यासा है क्या, इनको भूख प्यास कुछ नहीं, ये केवल सुखियों को दुख देने के लिए ये उन उन कमलों पर जाते हैं, ये केवल प्रशांत आत्माओं को सुमनस लोगों को
सुंदर मन वाली जो गोपांगना शुद्ध भाव वाली परमानुरागिणी सुमनस शोभन मनस्का गोपांगना परमानुरागिणी उनको केवल दुख देने के लिए इन्होंने अपने मुखचंद्र की सुमधुर अदर सुधारस पिलाई। इनको कोई भूख नहीं, इनको कोई पिपासा नहीं, क्योंकि इनके तो अधर ही में सुधा, तो जिसके अधर में ही सुधा है उसको पिपासा और सुधा की कोई प्रश्न नहीं। इसलिए धवर का कोई दोष नहीं पर इनका दोष है। इसलिए मधुप तू भोले भाले तू ऐसी कपटी का संग मत कर, तू इनका मित्र मन में मत बन, तेरा भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये बड़े वंचक हैं, मधुप तू भी इनका संग छोड़ दे, हम लोग भी छोड़ने का इंतजाम कर रहे हैं, हम भी छोड़ देंगे और तू भी छोड़ दे, हमारी राय मान ले। सुमन सैव सद्यस्तत्यजे स्मान भवादृक, भाई ये सब बातें ऊंची दृष्टि से देखो, लौकिक दृष्टि से बिल्कुल मत देखो। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु और उनके भक्त परम भक्त अंतरंग भक्त वही गोपांगना ब्रजसी मंतनी जन गोपांगना अनन्य भक्त। तो भगवान वही जिस पर अनुग्रह करते हैं, जिस पर अनुग्रह करते हैं जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुण्य से प्रसन्न होकर के उसको इतना बरसते हैं, इतना बरसते हैं, इतना बरसते हैं आनंदामृत, आधा आनंदामृत की वर्षा इतनी करते हैं कि वो पागल हो जाता है, उस प्रेम को संभाल नहीं सकता, संभालना मुश्किल लग जाता है। तो उसी प्रेमोन्माद में, प्रेमोन्माद में वो सब इस प्रकार का एक प्रलाप, प्रलाप प्रजल्प, प्रजल्प प्रलाप चित्र जल्प इस प्रकार का करता है। और भगवान के उस स्वभाव को याद दिलाता है कि भगवान कोई बहुत धन, बहुत विद्या, बहुत बल, बड़ा ऐश्वर्य, बड़ा धन, बड़ा सौंदर्य की अपेक्षा नहीं करते। जिधर वो ढूंढ जाए उनकी वो कृपा, भास्वती भगवती कृपा जिधर वो प्रकट हो जाए तो वहां गुण उन कुछ नहीं। तभी तो ब्रूसे गोधन हूं कृतई स्तुति सतहिर मौनम विधत् से सताम गोपालाजर कर्द में विहर से विप्राध्वरे लज्ज से। ईश्वर इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मानो मधुप कहता है, हाँ राधा रानी वृषभानु नंदिनी धन्य धन्य हो तुम, ठीक है आप परामर्श अच्छा दे रही हैं, पर आपको मालूम है वो लक्ष्मी जो है पद्मा वो सुनते हैं कि सदाई कृष्णचंद्र के पादारविंद की आराधना करती रहती है। आप लोगों ने वर्णन किया था पहले, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र ही, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, ब्रज जो है हे श्याम सुंदर आपके जन्म से अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। चैत्य के अधिकम अधिकम यथा से अधिकम माने वैकुंठादेरपि, किसकी अपेक्षा अधिकम वैकुंठादेरपि, वैकुंठ से भी अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है ब्रज। क्यों? हेतु श्रयते इंदिरा, यहां इंदिरा श्रयते कर्तर प्रत्यय, वैकुंठे तो श्रीयते, वैकुंठे तो श्रीयते, वैकुंठ में सेव्या है, वैकुंठ में इंदिरा जो है लक्ष्मी सेव्य
क्योंकि वहां के बैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी बैकुंठ की महारानी है। बैकुंठ के हरेक लोग इंदिरा की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो जो बैकुंठ धाम की पूज्या सेव्या आराध्या वही ब्रजेश रहते सेवते सेविका इतिजाव, वही ब्रज में सेविका बनी हुई दासी बनी हुई ब्रज में झाड़ू लगाती इंदिरा लक्ष्मी ब्रज में सरहते। तो आपने इंदिरा को सलाह देना था लक्ष्मी को सरहते इंदिरा वो काहे को इनके पाला अरविंद के आराधना में निरंतर संलग्न रहती है, वो पगली हो रही है। लिखा है यस्या सवीक्षण कृते निस्वर प्रयास तद्वद भयंच तव पाद रज प्रपन्ना। वो श्रीरज पदाम्बुज रजश्चक्रे तुलस्या लब्ध्वापि बक्षस पदं किल भृत्य जुष्टम। श्री जो है लक्ष्मी ये पाद पंकज रजश्चक्रे भगवान के मंगलमय पाद अरविंद रज को लालायित रहती, पाद अरविंद रज को पाने के लिए लालायित रहती है इंदिरा लक्ष्मी। यद्यपि लब्ध्वापि बक्षस पदं किल भृत्य जुष्टम भगवान ने कृपा करके उसको अपने उरस्थल में निवास दे दिया, भगवान के उरस्थल में लक्ष्मी का निवास है। तो जिस लक्ष्मी को उस भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के उरस्थल में हृदय स्थल में निवास मिल गया है, अब वो उस उरस्थल के निस्वप्न स्थान को पा करके पादारविंद में तो उसकी सपत्नी रहती है, सरोप रहती है, पादारविंद में सौत रहती है लक्ष्मी की। कौन सौत? तुलसी, तुलसी सौत। भगवान की जो बनमाला है ना, आपाद लंबिनी माला बनमाला, बनमाला भगवान की कंठ से लेकर पांव तक रहती है। आपाद दौड़ना थोड़ा ना हो कोई भगवान को जो दौड़ने में बाधा पड़ेगी। अरे गरुड़ आए गरुड़ पे चढ़ पे चल पड़े, अथवा संकल्प किया अपने आप पहुंच गए, दौड़ना क्या। तो आपाद लंबिनी माला पादारविंद पर्यंत लंबायमान माला बनमाला, उस बनमाला के अग्रभाग में तुलसी का गुच्छा, वो तुलसी का गुच्छा भगवान के दोनों चरणारविंद को आच्छादित करके। अब लक्ष्मी आएगी तो वहीं तो आएगी, कहां आएगी। जनपाद पंकज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वा विभक्षसि पदं किल भृत्य जुष्टम्। कहते बक्षस्थल में भगवान के बक्षस्थल में लक्ष्मी निवास पा करके भी भगवान के पादारविंद रज को चाहती है। बोले पादा भगवान का बक्षस्थल तो निवास स्थान मिल गया, लेकिन तो भी हमको तो पादारविंद का रज चाहिए। बोले रज रज लेने जाओगी तो वहां तो तुम्हारी सौत बैठी है, तुलसी है। तुलसी बोले कुछ भी हो रज तो लेना ही है, सपत्नी हो तो भी क्या जाती। लब्ध्वापि बक्षसि पदं, बक्षस्थल में निवास स्थान पा करके भी सपत्न्या तुलस्यासार्धं पादाम्बुज रजश्चक्रे, तुलसी के साथ भी रह करके भगवान के पादाम्बुज रज को चाहती। कौन लक्ष्मी? ऋग्वेदस्या सवीक्षण कृते नसुर प्रयास, बड़े बड़े देवाधिदेव लालसा करते रहते हैं कि भगवती लक्ष्मी एक बार कृपा भरी दृष्टि से निहार दे, लक्ष्मी एक बार अनुग्रह भरी दृष्टि से निहार दे, तो प्राणी निहाल हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। जिस लक्ष्मी के एक बार सवीक्षण के लिए दूसरे लोग लालायित रहते हैं, वो लक्ष्मी सपत्नी तुलसी के साथ भी रहकर उन भगवान के पादाम्बुज रज को चाहती है, कामना करती है।
శాస్త్రీ స్వభావమరవింద్ శాస్త్రీ స్వభావమరవింద్ వనం విహాయ జత్పాద పంకజమలం భజతే నురక్త. బ్రహ్మాదో బహుతిథం జదపాంగ మోక్ష కామాస్తపస్సమచరంతి భగవత్ ప్రపన్నా. బ్రహ్మాదో బహుతిథం జదపాంగ మోక్ష కామాస్తపస్సమచరన్. బ్రహ్మాజీ బడే బడే దేవాధిదేవ్ బహుతిథం బహుత్ కాల పర్యంత్ ఏక్ దిన్ దో దిన్ నహీ. బ్రహ్మాదయో బహుతిథం జలపాంగ మోక్ష కామాః. భగవతి మా లక్ష్మి అనంత బ్రహ్మాండ జననీ భగవాన్ కే ఐశ్వర్య కీ అధిష్ఠాత్రీ మా లక్ష్మి భగవతి ఏక్ బార్ హమారి ఓర్ అపాంగ మోక్ష కర్ దే, మన కృపా కటాక్షే కో ఏక్ బార్ హమారి ఓర్ కర్ దే. బ్రహ్మాదయో బహుతిథం జలపాంగ మోక్ష కామాస్ తపస్సమచరన్ తప కర్తే तप करते हैं ब्रह्मादि बड़े बड़े देवाधिदेव बहुकाल पर्यंत तपस्या करते हैं, इसलिए कि लव लक्ष्मी भगवती एक बार अनुग्रह की कृपा कटाक्ष हमारी ओर निहार दे. साश्री वही लक्ष्मी सुबासम अरविंद बनम विहाय, अरविंद बन में रहती है. कहां रहती है लक्ष्मी? अरविंद बन में, कमल बन में. कमलों का जहां बन है, बन कमलों का, बड़े अच्छे अच्छे कमल फूले, अच्छे अच्छे कमल जहां फूले हैं, वो सुभाष अरविंद बनम विहाय, वो अरविंद बन जो सुभाष स्थान है उसको त्याग करके साथी सुभाष अरविंद बनम विहाय जब पाद पंकज मलम भजते नुरक्ता, भगवान के पादारविंद रज को भजती है परमानुरागिणी होकर. तो मधु कहता है भगवती उनको समझाओ, लक्ष्मी को समझाओ, हमको तो समझा रही हो तुम ठीक ही, पर जरा उनको समझाओ तुम्हारे साथ की हैं. सुबर्गे परमा प्रीति, पहले अपने घर के लोगों को समझा लो फिर हमको समझाना. ये मानो मधु कहता है. तो सोचने लगी हाँ बात तो है, क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गई राधा रानी, क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गई. पर अंतर्मुख होकर सोचा तो बोली हाँ क्या करें. बतहत चेता परिचरत कथन तत्पाद पद्मन्नु पद्मा. हाँ बात ठीक है, परिचरत कथन तत्पाद पद्मन्तु पद्मा. पद्मा जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी कमलालया, पद्मा क्या है, पद्मा पद्मालया, पद्मा कमला. तो परिचरत कथन तत्पाद पद्मंत पद्मा. पद्मा जो है कमला लक्ष्मी, वो भगवान के पाद पद्म का परिचर्या करती रहती, सेवा करती रहती. शेष साई भगवान का ध्यान करो तो शेष साई भगवान तो अपना नींद ले रहे हैं शेष सैया पर, तो लक्ष्मी बैठी हुई पाद संवाहन कर रही, पाद संवाहन कर रही है लक्ष्मी बैठी. नारद आदि कुछ वीणा वादन करते हुए गुणगान कर रहे हैं, लक्ष्मी पाद संवाहन कर रही है. तो इतना निरंतर पाद सम्माहन में लगी हुई पद्मा लक्ष्मी कथन तत्पाद पद्मम परिचरति, भगवान के पादारविंद की परिचर्या कैसे करती है. बोले हेपिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई ही. क्या करे बिचारी के चित्त को इन्होंने ठग लिया. मीठी 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 बातों से, मीठी मीठी बातों से बिचारी लक्ष्मी के मन को इन्होंने हरण कर लिया, इसलिए बिचारी विवेकहीन हो गई. विवेकवान तो मन होता है, विवेकवान तो मन होता है.
जब इन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों से उसके मन को हरण कर लिया, बिचारी में विवेक कहां रह गया? हमसे भी तो यही कहा था, न पारे हम निरवद्ध संजुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबह। हे गोपांगनाओं, तुम्हारे जो लोकोत्तर प्रेम है, ये तुम्हारी लोकोत्तर अनुरक्ति है, प्रीति है। तुम्हारा जो लोकोत्तर त्याग है, उसका बदला हम कोट कोट जन्मों में भी पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रेम पर हम जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे ऋणी रहेंगे। कितनी मीठी बात थी, अगर वैसे पालन भी करते तब कितनी अच्छी बात थी, पर ऐसी ऐसी बातें की और चले गए मथुरा। कोई उनको अपनी बातों का ध्यान नहीं। तो ऐसे ही जैसे हम जैसे उनके मीठे वचनों से ठगे गए, इसी तरह से अपिबत हृत चेता, हृत चेता पद्मा, पद्मा का चित्त जो है, लक्ष्मी का जो चित्त है, विवेकी मन, वो विवेकी मन उत्तम श्लोक जो भगवान कृष्ण हैं, उनके जो जल्प हैं, माने मीठे मीठे वचन हैं, मीठे मीठे वचनों द्वारा उसका मन बिचारी का विवेकी मन अपरत हो गया, इसलिए विवेक शून्य हो गई, इसीलिए उनके पादारविंद की परचर्या दिन रात करती रहती। हम लोग वैसी अविवेकी नहीं है जैसी पद्मा। अब हम नहीं मानने वाली है इनकी एक बात, तुम हजार विनय करो, हजार अनुनय करो, तुम्हारी बात हम नहीं सुनने वाली। खबरदार, हमारा पाद स्पर्श करना नहीं, छूना नहीं। एक तो कहा सखी आप क्या बोलती हो, आखिर आप उत्तम श्लोक जलपई। उत्तम श्लोक का अर्थ है जिसका उत्तम है, श्लोक माने यश, जिसका श्लोक्यते इति श्लोक श्लोकम यशः, यश जिसका श्लोक्य स्तुत्य, जिसका यश श्लोक्य। संसार भर के प्राणी, दिग्दिगंत के प्राणी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपोनिष्ठ, बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र, बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस, बड़े बड़े आचार्य निरंतर जिसका जश गान करते रहते हैं, लक्ष्मी भी जिनके पाद पंकज की सेवा करती रहती है, तुम उनकी निंदा कर रही हो, तुम पर उन पर आक्षेप कर रही हो, राधा रानी, क्या ये उचित? तो बोले, अरे मधु, तू समझता नहीं, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोको यशो यस्य, उत्तम श्लोक यशः यस्य। तो मतलब क्या है, जो भाट होते हैं ना, भाट बंदी लोग, भाट लोग, वो गुण वर्णन करने लगे तो भैंस का ऐसा गुण वर्णन करें कि वाह, भैंस तुम्हारे समान दुनिया में कोई सुंदर ही नहीं। तो बंदी, बंदी द्वारा जो गुणवान है, सूत मागद द्वारा जो गुणवान है, वो तो गुणानपेक्ष गुण वर्णन करते हैं, गुणानपेक्ष गुण वर्णन करते हैं, गुण सापेक्ष गुण वर्णन नहीं। किसी में गुण हो तो गुण वर्णन करें, सो बात नहीं। रविदेव राज के राजा, राजा जो है सूर्य के समान चमकता है, सूर्य कहकर जुगनों की तरह भी नहीं चमकता राजा, जुगनों की तरह भी जिसमें चमक नहीं, उसको कहते रविदेव राज थे राजा। तो जो जुगनों की तरह न चमकने वाले को कहते सूर्य, और तुम चमक रहे हो। तो भैंस को कृष्ण का उपमा दे दें, तुम्हारी वैसी श्यामलता है जैसे कृष्ण चंद्र की श्यामलता है, तो क्या कहना है। तो इस तरह से बंदी लोग गुणों द्वारा, अरे कृष्ण के भक्त ही ना उनका गुणगान करते, कौन गुणगान करते, कृष्ण के भक्त। तो जिसका जो भक्त होता है उसको तो कुछ विवेक होता नहीं, तो आंख मीच कर गुणगान करता है। इस तरह से ये उनके भक्त गण, बंदी गण, सूत गण, मागध गण,
जो उनसे उनसे वृत्ति पाते हैं, जीविका पाते हैं, वही उनका गुणगान करते रहते हैं। इसलिए वहां कहा श्री मदाततम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्री मदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। तो किंतु श्री मदाततम उनका जो कथामृत है उसको दुनिया में किन लोगों ने फैलाया है? श्रीमानों ने फैलाया। श्रीमानों, श्रीमान में धनवान लोगों ने, धनवान लोगों ने अपना दिन काटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए एक ठो धंधा चला रखा, धंधा चला रखा है। चलो भगवान कृष्ण की कथा सुनो भाई, बड़े धर्मात्मा लोग कृष्ण की कथा सुन रहे। श्रीमदाततम, श्रीमान माने प्रमादी लोग, धनवान प्रमादी उल्लू के वाहन वो जो उल्लू के वाहन लोग हैं श्रीमान, वही लोगों ने इनकी कथामृत को दिग दिगंत में फैला रखा है। वास्तव में उनका कथा अमृतम नहीं, कथा अमृतम मरणम। उनकी कथा अमृतम नहीं, अमृत नहीं है, मरणम, कथा अमृतम। कहिए बोले तप्त जीवनम, तप्ते कटा हो यथा जीवनम जलम निक्षिप्तम। खूब तपता हुआ कड़ा हो, तवा खूब तप रहा हो और उस पर एक बूंद पानी डाल दो तो क्या होता है? तो तपते कटाहे जथा जीवनम जलम, तप्त तप्त तवा पर जैसे कोई एक बिंदु पानी डाल दे तो ऐसी तरह से जो उनके विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त हैं और उनका कहे नाम सुना दिया, उनकी कहे कथा सुना दिया तो क्या कर जले पर नौन मत लगाओ भाई। जले पर नौन लगाना, एक जल गए ऊपर नौन लगा दिया। ऐसे उनके विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त हैं, फिर उनकी कथा मृत चलाए दो तो फिर और जल भुन जाती। इस प्रकार से ये सूतगणों द्वारा बंदी माधवों द्वारा जो वर्णित गुण है वो वस्तुतः कोई गुण है नहीं, इसलिए भ्रम में मत रहो। इसलिए उत्तम श्लोक जल भी ये उत्तम अनुत्तम में भी, अनुत्तम में भी उत्तम श्लोक का वर्णन करते हैं वो लोग, अनुत्तम में भी उत्तम श्लोक का वर्णन करते हैं। तो ऐसे जो उन भक्तों के जल्प हैं, माने भगवान कृष्ण का जल्प नहीं, अनुत्तम लोगों में उत्तम श्लोक वर्णन करने वाले जो लोग हैं बंदी मागत गण, उनका जो जल्प है उनके जल्प से मोहित होकर के हरतचेता लक्ष्मी उनके पाद पद्म की परिचर्या करती है बिचारी भोली भाली, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। श्री राम, जय जय राम। ये भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत है, ये भ्रमर गीत है। इसमें गोपांगना और उद्धव का संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धव को भेजा है गोपांगनाओं के पास और उद्धव जी गोपांगनाओं के सन्निधान में बैठे हैं। वहीं एक भ्रमर आ गया है, मधुप आ गया है और उस मधुप को देख करके राधा रानी वृषभानुनंदिनी अपने हृदय का भाव जो एक अत्यंत स्नेह का परिणाम, बहुत उच्च कोटि का जो महाभाव, प्रेम की अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था जो महाभाव पदवाच्य है, उससे जनित जो उन्माद विशेष, प्रेमोन्माद जिसको कहते हैं, प्रेम का उन्माद, प्रेमोन्माद में
कुछ कह रहे हैं। तो इसी के श्लोक की व्याख्या कुछ कल हुई है, कुछ थोड़ा और आज होती है। मानो शंका होती है कि भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र अत्यंत निर्दोष हैं और हम भी उनके भक्त हैं, अनुगामी हैं, हम भी निर्दोष हैं, ये आप उनमें ऐसे दोषों का आरोपण क्यों करती? ये तो भ्रमर जाति का स्वभाव है, उसके स्मश्रु पीत होते हैं, इसमें कोई कुमकुम के संसर्ग का कोई प्रसंग नहीं। आप ये सब जो आरोप कर रही हैं किस आधार पर कर रही हैं? अगर कहें प्रत्यक्ष है तो विप्रकृष्ट पदार्थ में प्रत्यक्ष की तो प्रवृत्ति होती नहीं। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन मथुरा में, तुम यहां बैठी हो गोकुल में, तो श्याम सुंदर कृष्णचंद्र के दोषों का या उनके अन्य संबंधों का तुम यहां से कैसी कल्पना करती हो? यदि कहो अनुमान करती हैं तो जैसे धूली पटल में किसी को धूम की भ्रांति होती है, धूली पटल में धूम की भ्रांति से जो बनने का अनुमान करता है वो बनने का अनुमान असंगत होता है, उसी प्रकार से हमारे स्मश्रु की प्रतिमा को देखकर तुम जो ये कल्पना करती हो कि श्याम सुंदर के मंगलमय उरस्थल में जो वनमाला है उस वनमाला में उनकी प्रेसी जनों के उरोजों में संलग्न कुमकुम लिप्त हो गया और उसी कुमकुम लिप्त वनमाला को धारण करने के कारण, आघ्राण करने के कारण इस मधुप के भी स्मश्रु में प्रीतिमा आ गई है, इतनी कल्पना कर रही हो। वस्तु स्थिति यह है कि हमारी जाति ऐसी है, हमारा स्वभाव ऐसा है, हरेक मधुप जो श्री कृष्ण के वनमाला से संपृक्त नहीं होता, जो कृष्णचंद्र की वनमाला से संपृक्त नहीं होता उस मधुप का भी स्मश्रु पीत होता है। तो ऐसी स्थिति में स्मश्रु की पीतता को देख करके उसमें कुमकुम संसर्ग की कल्पना करना और कुमकुम वनमाला संसृष्ट है ये कल्पना करना और वनमाला में उनके प्रेसी जनों के उरोज संस्पृष्ट कुमकुम संलग्न हुआ है ये सब कल्पना करना केवल जैसे धूली पटल के आधार पर धूम समझकर और उसके आधार पर बनने का अनुमान करना जैसे असंगत है, तैसे ये भी असंगत है। देवियों तुम इस प्रकार की कल्पना मत करो और हम श्री कृष्णचंद्र आपका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, निरंतर मथुरा में आपका ही ध्यान करते रहते हैं, आपका ही चिंतन करते हैं और आपको ही परम मधुर संदेश लेकर के हमें भेजा है, इसलिए आप कृपा करके अपने चरण का स्पर्श करने दो, हम धन्य धन्य हो जाएंगे आपका चरण स्पर्श करने से, इत्यादि मानो उन्होंने विनय कर रहा है मधुप। तो उसकी इस बात को सुन करके मानो कहती हैं कि सुस्पष्ट है जो जिसकी वंचना करता है उसके प्रति उसका आक्रोश होना स्वाभाविक,
जो जिसकी वंचना करता है वह उसका आक्रोश करता है, उसकी निंदा करता है, उसमें दोषारोपण करता है। तो इस दृष्टि से तो लाउड स्पीकर नहीं लगा है क्या? नहीं, आज आया नहीं। फोन किया तब भी संबंध नहीं मिल रहा। आज आया ही नहीं। अच्छा, क्यों आज आए नहीं? कोई गड़बड़ी हो? लाउड स्पीकर तो यही का था। वहाँ से तो ये जवाब दिया कि चल चुका है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कुछ सुनने नहीं आ रहा है। वो नहीं सुन है क्या जो अपने यहाँ का है? तो मान लगता है यहाँ का उनको लगाने वाला जो है। अच्छा, लगाने हाँ तो निष्कर्ष ये है कि जो जिसकी वंचना करता है वो उसका आक्रोश करता है। मदन मोहन ने, श्याम सुंदर ने, कृष्णचंद्र ने हम लोगों की वंचना की। बोले क्या वंचना की? बोले हमको सुधा पिला दिया, अमृत पिला दिया। बोले ये क्या वंचना है? अमृत पिला दिया ये कोई वंचना है? जो जिसको पानी भी पिला देता है वो भी उसका उपकार मानता है, पानी पिलाने वाले का भी आक्रोश नहीं किया जाता। मदन मोहन, श्याम सुंदर, कृष्णचंद्र ने तुमको सुधा पिलाया, अमृत पिलाया, तो उससे आप क्यों क्षुब्ध होती हैं? अमृत पिलाना तो बड़ी अच्छी चीज, पानी पिलाने वाले का भी आक्रोश नहीं किया जाता तो फिर तुम सुधा पिलाने वाले। श्याम सुंदर, मदन मोहन ने तुमको सुधा पिलाया, अमृत पिलाया, तो काहे उससे नाराज होती? बोले हाँ, वो सुधा वैसी वैसी सुधा नहीं है, मोहिनी सुधा है, बुद्धि भ्रंश करी सुधा है, बुद्धि को भ्रंश कर देने वाली सुधा है। माने कोई ऐसा मोहक लड्डू, कोई ऐसा तंत्र मंत्र किया हुआ मोहक लड्डू किसी को खिलाए दे तो कोई उसको उपकार मानता है? अरे मोहन लड्डू जिसको खा लेने से प्राणी मोहित हो जाए। कई ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं जहां ऐसा तंत्र मंत्र करके मोदक रखे रहते हैं, वो मोदक जिसको खिलाए दे वो पागल हो जाए, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ऐसी लौंग खिलाते हैं कई लोग, लौंग तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित लौंग खिला देने से प्राणी मोहित होकर पागल की तरह पीछे पीछे भटकता है। इस प्रकार से मोहन करने वाली जो वस्तु है वो भले मोदक हो भले सुधा हो, सुधा क्यों न हो, मोहन करने वाली जो सुधा है वो वस्तुतः उपकार नहीं है, अपकारी है। इसलिए श्याम सुंदर, मदन मोहन, ब्रजेंद्र नंदन ने अपने मंगलमय मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस का पान करा करके हम लोगों के मन में एक दुरंत लालसा उत्पन्न कर दी और अत्यंत अभूतपूर्व आसक्ति उत्पन्न कर दी। आसक्ति कृष्ण के स्वरूप में आसक्ति हो गई। आसक्ति वो होती है जिस आसक्ति के हो जाने पर प्राणी निरर्थक हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो वो सुधा आसक्ति पैदा करने वाली है। कृष्ण के मुखचंद्र में, कृष्ण के मंगलमय पादारविंद में, उनके दामिनी दूत विनिंदक पीताम्बर में, उनके स्वरूप में, उनके गुण में,
मन को आसक्त कर देने वाला है, मन को तल्लीन कर देने वाला है। तो इस प्रकार की जो सुधा है, जो आसक्ति का जनन करती है, मोहिनी है, उस तंत्र मंत्र की तरह जैसे तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित मोदक किसी को बस में करके और पागल बना देता है, इस प्रकार से मोहिनी सुधा को हमें पिला करके हमें लोक परलोक से वंचित कर दिया। और अधर अधर संबंध से अधर संबंध से ये हुआ उच्छिष्ट हो गई सुधा। अधर संबंध से सुधा उच्छिष्ट है। तो श्याम सुंदर के मुखचंद्र में अधरों में वो सुधा रहती है, अधर संपर्क से वो सुधा उच्छिष्ट है। तो उच्छिष्ट सुधा पान करने से जाति भ्रंश होता, जाति भ्रंश, हम जाति से भ्रष्ट हो गई। श्याम सुंदर के मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा को पान करके हमारा लोक नष्ट हो गया, हम लोक से जाति भ्रंश हो गया। इस तरह से सुधा के संबंध से लोकोत्तर आसक्ति उत्पन्न कर दी और अधर के संबंध से जाति भ्रंश करके लोक संबंध तोड़ दिया, लोक संबंध टूट गया। अगर कोई साध्वी सती पतिव्रता वैसे देवलोक से कोई सुधा आई हो, किसी कनक पात्र में, कनक पात्र में देवलोक की आई हुई सुधा को पान करे, तो कोई चिंता की बात नहीं है, निंदा की बात नहीं। परंतु वो सुधा तो श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के मुखचंद्र के अधर में रहती है, अधर की सुधा है। कोई साध्वी सती पतिव्रता किसी पुरुष के अधर में रहने वाली सुधा का पान करे, अधरोष्ठ में रहने वाली सुधा का पान करे, तो जाति भ्रष्ट हो जाएगा, जाति भ्रंश हो जाएगा। इसलिए अधर संबंध की उस सुमधुर मोहिनी अधर सुधा को पिला करके हमारे लोक को नष्ट किया। और सुधा मोहिनी है, मोहिनी होने के कारण हमको विवेक विज्ञान विहीन बना दिया, इसलिए भक्ति ज्ञान से भी हमको वंचित कर दिया। भक्ति और ज्ञान में तो विवेक चाहिए, विवेक बिना भक्ति बनती, विवेक बिना विज्ञान बनता है, सब में विवेक चाहिए। संसार से मन को हटाना, अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर परब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करना विवेक के साथ, और संसार में प्रेम न करके, संसार में आसक्ति न करके सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान में आसक्ति करना, ये विवेक, ये विवेक है। पर मोहिनी सुधा को पान करने से विवेक तो खत्म हो गया। जैसे तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित मोदक को आस्वादन कर लेने से प्राणी विवेकहीन हो जाता है, उसी प्रकार से मोहिनी सुधा का पान करके हम विवेकहीन हो गए। विवेकहीन हो जाने से भक्ति और ज्ञान का भी अधिकार नष्ट हो जाता। अच्छा चलो सब कुछ ठीक हुआ, बोले झूठा खाया किस लिए, बोले मीठे के लिए, मीठे के लिए झूठा खाया। चलो ये सब होने पर भी सब कुछ जिसके लिए त्यागा, जिसके लिए लोकत्याग किया, जिसके लिए भक्ति ज्ञान का भी त्याग किया, जिसका आश्रय पकड़ा
सब त्याग करके जिसका आश्रयण पकड़ा उसको भी लेकर चले गए, मथुरा चले गए। अर्थात सर्वस्व त्याग करके एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र को अपना सर्वस्व बनाया और उसमें ही उनमें ही अपना अंतकरण अंतरात्मा और प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो स्वयं श्याम सुंदर भी हमको छोड़कर चले गए। ये बोलो वंचक है कि नहीं, वंचना की कि नहीं? अगर वंचना की तो उनका आक्रोश करना क्या अनुचित है? और वो भी अगर मान लिया सब कुछ होने पर भी अति दुर्लभ लोकोत्तर सुधा पान के लिए अमृत पान के लिए सब का त्याग किया जाए और वो अमृत तो मिले, अमृत तो मिले, अमृत भी तो नहीं मिला। सकृदधर सुधान स्वाम, एक ही बार तो वो सुधा एक ही बार तो पान करने को मिली, अधिकाधिक कहां मिली? तो क्या हुआ? जैसे एक कोई फूल है, फूल किसी ने फूल को सूंघ लिया, फूल को सूंघ लिया तो फूल तो उच्छिष्ट हो गए, अब किसी देवता के लायक रह गए। फूल को किसी ने सूंघ लिया तब वो देवता के लायक रह गया, किसी महात्मा को अर्पित करने लायक रह गया? नहीं रह गया। तो जैसे एक बार मृदित आघ्रात पुष्प निरर्थक हो जाता है, इसी प्रकार से हम साध्वी सती पतिव्रताओं को शोभन मनस्का शोभन मन वाली गोपांगनाओं को पायित्वा वो मोहिनी सुधा को सकृत पायित्वा ऋणित से यही मतलब कि स्वयं हमारी इच्छा बिना, हमारी इच्छा बिना स्वयं और उस मोहिनी सुधा का पान करा करके और एक बार ही पान करा करके तृप्ति भी न हुई, तृप्ति हो जाती तो भी बात, तृप्ति भी न हुई तो तृप्ति न हुई इतने ही में आसमान तत्यजे। बोले तुमने फिर उनको पकड़ा क्यों नहीं? बोले सद्य तत्यजे आसमान। बोले तुम बताओ, तुम मालती, मालती का नाम सुमनस है, सुमनस नाम तो ऐसे सामान्य पुष्पों का है पर विशेष नाम सुमनस मालती का, सुमनस मालती का। तो तुम मालती का रसास्वादन करते हो और तत्काल मालती का सौगंध्यामृत रसास्वादन करके मकरंद पान करके सौगंध का ग्रहण करके तुम चले जाते हो, तुमको कौन पकड़ पाता है, तुमको कौन पकड़ पाता है? इसी प्रकार से मोहिनी सुधा का पान करा करके मोहित करके मदन मोहन श्याम सुंदर मथुरा चले गए। ये गोपांगनाओं का विशेषकर राधा रानी वृषभानंदिनी का श्री कृष्ण के प्रति दोषारोपण, इसको कहा परजल्प है, जिसमें कृष्ण की अपने प्रियतम की षठता का वर्णन है, वंचकता का वर्णन है और निर्दयता का वर्णन, षठता वंचकता और निर्दयता। श्री कृष्ण सठ हैं, श्री कृष्ण वंचक हैं, श्री कृष्ण निर्दय हैं और अपने विचक्षणत्व का वर्णन पद्मा
लक्ष्मी जो है वो तो भोली भाली, लक्ष्मी पद्मा भोली भाली, वो उत्तम श्लोक जल्पों में मोहित होकर के हृतचेता होकर निरंतर कृष्ण की आराधना करती रहे। पर हम ऐसी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए पद्मा का, लक्ष्मी का, अचातुर्य बोधन करके अपने चातुर्य का बोधन करना, चार चीज, अपने प्रियतम की सठता और निर्दयता और वंचकता और अपनी विचक्षणता का वर्णन जिसमें होता है उसको परिजल्प कहते हैं। शंका होती है सखी तो कुछ तुम्हारा ही दोष होगा, कुछ दोष तुम्हारा ही होगा, वो तो बड़े अकारण करुण हैं, करुणा वरुणालय हैं, शरणागत वत्सल हैं, वेद वेदांत इतिहास पुराण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की लोकोत्तर महिमा प्रतिक्षण गान करते रहते हैं, उनमें तो किसी प्रकार के दोष की कल्पना की नहीं जा सकती, कोई न कोई तुम्हारा ही दोष होगा। इसी प्रकार सुमन सैव सद्यस्त तेजस्मान भवाद्र, बोलो तुम बताओ, मालती, मालती जो सुमनस है, मालती का फूल कैसा है? बोले उसमें लोकोत्तर सौरभ है, अद्भुत सौगंध है और अद्भुत कोमलता है और अद्भुत सुंदरता है और पवित्रता है और सर्वापेक्षा अत्यंत उत्कृष्टता है। ये सब गुण मालती में है, मालती में अद्भुत सौगंध है, लोकोत्तर सौ कुमार्य है, दिव्य सौरभ्य, दिव्य सौ कुमार्य, सुकुमारता कोमलता और उसके बीच पवित्रता और दिव्य सुंदरता, एवं गुण गुण संपन्न मालती को तुम उसका रसास्वादन करके छोड़ के चले जाते हो। बोलो मालती में क्या दोष, मालती में क्या दोष, कुछ कह सकते हो? नहीं। तो मालती से भी कोटि कोटि गुणित अधिक राधा रानी ब्रजभानु नंदिनी, तो मालती से भी कोटि कोटि गुणित लोकोत्तर सौगंध संपन्न है, मालती से भी कोट कोट गुणित सौकुमार्य संपन्न है, मालती से भी कोट कोट गुणित उनमें सुंदरता है, मधुरता है, सरसता है, सौकुमार्य है और पवित्रता है, उत्कृष्टता है। मालती क्या होती? राधा रानी वृषभानु नंदिनी के सामने मालती क्या होती? तो मालती से भी कोट कोट गुणित सौ कुमार जिन में है, सौरभ जिन में है और पवित्रता जिन में है, उत्कृष्टता जिसमें है, सुंदरता जिसमें है, ऐसी जो सुमनस रूपांगना राधा रानी, उनको भवादृक तत्यजे, भवा असमान भवादृक तत्यजे, भवंत में उपश्यंत जनाजम तुम्हारे समान, जैसे तुम निर्दोष मालती का परित्याग करते हो, उसी प्रकार से निर्दोष गोपांगनाओं को, सुमनस गोपांगनाओं को, शोभन मन वाली लोकोत्तर कल्याण गुण गुण संपन्न मन वाली, लोकोत्तर प्रेम वाली, लोकोत्तर अनुराग वाली, यही मन को शोभन कौन बनाता? जिसके मन में सुंदर प्रेम हो उसी का मन सुमन है, जिसके मन में भगवान के प्रति पूर्ण अनुराग हो उसी का मन शोभन मन है, दुनिया भर की खुरापात जिसके मन में बैठी हो उसका मन सुमन हो।
वो सुमन नहीं, सुमन वही है जिसके मन में परात्पर परम ब्रह्म प्रभु के प्रति पूर्ण अनुराग हो, प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम हो, पूर्ण विवेक विज्ञान हो, इसका मन पवित्र हो, विषयों के संपर्क से असंश्लिष्ट हो, ऐसा मन सुमनस होता है। सुमनस होता है, सुमनस माने ब्रह्मविद वरिष्ठ, सुमनस माने भगवत तत्व विज्ञान संपन्न, सुमनस माने भगवान के अनुरागी, यही सुमनस होते हैं, सुंदर मन वाले। तो सुमनस मालती के तुल्य दिव्य गुणगण संपन्न, भक्ति ज्ञान वैराग्य संपन्न, अनुराग संपन्न, लोकोत्तर प्रेम संपन्न, ऐसा जो सुमनस सुंदर भाव वाली गोपांगनाओं, सम गोपांगनाओं को मदन मोहन ने त्याग दिया। यही शिकायत है। तो बड़ी बात है, ये जिसका भगवान में अनुराग हो, भगवान उसको असल में तो त्याग सकते ही नहीं, त्याग सकते ही नहीं, तथापि प्रातीतिक प्रतीति अगर है, त्याग की प्रातीतिक प्रतीति है, और ये प्रातीतिक प्रतीति तो एक प्रकार का प्रेम का स्वभाव, एक वैचित्र्य अवस्था आती है, प्रेम वैचित्री, प्रेम वैचित्री, उस वैचित्री में जिस समय राधा रानी के मंगलमय अंक में ईश्याम सुंदर ब्रज निरनंदन मदन मोहन विराजमान हों, उस समय भी उनको वो प्रलंब की प्रतीति होती है, उस समय भी उनको वियोग भाषित होता है। तो जहां मिले रहने पर भी वो प्रलंब का भान होता है, ये तो एक प्रेम की अवस्था, प्रेम की अवस्था अत्यंत अभेद दशा में भी वो प्रलंब का भान होना, ये प्रेम की अवस्था विशेष। तो फिर भी उस अवस्था में भी जहां जिनको वो प्रलंब का भान हो रहा है, वियोग की प्रतीति हो रही है, तो संताप तो होता ही है।